अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। मोक्सिन इशूज़ की है जी ये वीडियो, और तमाम का तमाम जो इनका ये कलेक्शन है समर्स के अकॉर्डिंग ही है। 2022 की टोटल न्यू कलेक्शन है, और ईद पर इन्होंने जो डिस्काउंट लगाया था वो भी ख़त्म हो चुका है। फ़िलहाल इन स्टोर्स पर मेरे पास तो कोई डिस्काउंट ऐसा नहीं है, लेकिन मे बी आई थिंक वेबसाइट पर इनके कुछ जो प्रीवियस आर्टिकल्स हैं विंटर के अकॉर्डिंग, उन पर शायद अभी भी डिस्काउंट होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले, कुछ दिन पहले बल्कि मेरी थोड़ा सा विज़िट मैंने किया था इनकी वेबसाइट को, तो वहाँ पर इनके आर्टिकल्स पर जो विंटर के स्टफ़ पे थी वहाँ पर सेल लगी हुई थी, ठीक है, और अदरवाइज़ इनके समर के किसी भी न्यू आर्टिकल पर सेल नहीं है। अब जैसे ही इनका सीज़न एंड होगा तो सीज़न एंड सेल के अकॉर्डिंग ये डिस्काउंट लगा देते हैं थोड़ा बहुत, वो भी अप टू में होता है। अच्छा जी, ये डायमंडीज और इस तरह के जितने भी लश पश स्टारिंग बीड्स वर्क और ग्लिटरी से जो होते हैं फुटवेयर, मुझे बहुत ही पसंद है, मुझे बड़े ब्यूटीफुल लगते हैं, और पहले बहुत ज़्यादा मैं इस तरह के पसंद करती थी, परचेज़ करती थी, लेकिन अब काफ़ी कम कर दिए, बिकॉज़ एक ऐसा फुटवेयर जो इम्पोर्टेड भी हो जिस पर आप 4-6-8 हज़ार स्पेंड कर दें, और फिर बाद में जी एक दफ़ा की वेयरिंग के बाद पता चले एक बीड ब्रेक हो गया है, कुछ ना कुछ गिर गया है, तो वो जो एक खूबसूरती होती है सैंडल की वो सारी की सारी मारी जाती है, तो क्या फ़ायदा, कुछ टाइम तो चले। एनीवेज ये तो एक ऐसे ही फ़न की बात हो गई, तो आपको मैंने ये शेयर करना था कि खूबसूरत तो बहुत है मोक्सिनी का ब्रांड, और क्वालिटी वाइज भी बड़ा ज़बरदस्त है। मेरा मानना ये है कि मोक्सिनी का और इस तरह से इंसिग्निया टाइप के जितने इम्पोर्टेड ब्रांड्स हैं, पाकिस्तानी ब्रांड्स भी बहुत अच्छे चल रहे हैं आजकल, नो डाउट, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि मैं अपने लोकल पाकिस्तानी ब्रांड्स की बात ना करूं और इम्पोर्टेड की बात करूं। आजकल हमारे ब्रांड्स अपने भी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इनकी कंपटीशन में है, बड़े अच्छे रिज़ल्ट दे रहे हैं, लेकिन जो इस किस्म के जो ब्रांड हैं वो आपके 8 से 10 साल बड़े आराम से निकालते हैं, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। और अभी जो आप कलेक्शन देख रहे हैं इनकी ब्राइडल कलेक्शन है। अच्छा जी, ब्राइडल कलेक्शन इनकी बहुत ज़्यादा आती है, इंसिग्निया पर भी आपने देखा होगा, और देखिए जी मोक्सिनी का वीडियो है, नाम आ रहा है इंसिग्निया का, चले कोई बात नहीं, अच्छा है तो ये मोक्सिनी और मोचनी है या मोक्सिनी है, आई डोंट नो, गूगल बाबा पे जाकर मैंने बहुत दफ़ा इसका जो नाम है काफ़ी वहाँ पर मैंने सर्च किया है, तो वहाँ पर मुझे यही मिलता है मोक्सिनी बोलने को। और एनीवेज़ अच्छा जी, ये जो रेंज है इनकी ये 8000 से प्लस में है, 12000 प्लस में भी है, और जो ये डिज़ाइन है ये आपको मोस्टली हर साल मिलेंगे थोड़े से ही चेंज के साथ, बिकॉज़ जो इम्पोर्टेड फैशन होता है, डिज़ाइनिंग जो होती है ना व्यूवर्स, वो बहुत ही कम और लिमिटेड सी होती है। अच्छा, खुजे की वैरायटी भी आपको मिल जाएगी मोक्सिनी पर, और ये भी 3000 प्लस में है, ठीक है, डेफिनेटली इम्पोर्टेड ब्रांड है, रेगुलर प्राइसेस पर है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि इनकी प्राइसेस क्या होंगी। हैंडबैग्स की भी बहुत ही अच्छी रेंज है। अच्छा, जो एक लोकल हमारे यहाँ भी किसी ब्रांड के जो हैंडबैग्स मिलते हैं वो भी 6000, 7000 और 8000 से कम पे नहीं है, तो अब आप देख लीजिए, अंदाज़ा लगा लें, इम्पोर्टेड ब्रांड पर अगर यही इस तरह के पर्सेज हमें 8000-10000 में मिलते हैं, तो आई थिंक कि हमें ये ज़्यादा अवेल करना चाहिए बनिस्बत हमारे दूसरे ब्रांड्स के, ठीक है, मेरा तो यही कहना है, बाकी हर एक की अपनी चॉइस है, हर एक का अपना व्यू है, मेरा व्यू ऑफ थॉट तो बस यही कहता है। एनीवेज़ ये आपको जो मैंने सारी इनकी थोड़ी बहुत करके शेयर कर दी है समर की वैरायटी, और इसमें आती तो जेंट्स की भी बहुत वैरायटी है, लेकिन स्टोर पर क्योंकि रश होता है इस किस्म के स्टोर्स पर, तो मैं अवॉइड करती हूँ फिर जेंट्स की तरफ जाना, और जो मेरी कोशिश होती है मैं वही कि बस थोड़ा बहुत न्यू अराइवल हो जाए या सेल के आर्टिकल हो तो मैं अपनी ऑडियंस के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सकूँ, और यूजुअली भी मैंने आपको बहुत ज़्यादा वीडियोज़ में शेयर किया है, मैं फुटवेयर की तरफ इतना नहीं जाती, मुझे बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है कि क्या आप जूतों की भी वीडियो बना के बंदा क्या शेयर करे। अच्छा जी, ये प्लम कलर का बहुत ही खूबसूरत सा जो हैंडबैग है यहाँ पर, ये भी जी था 9000 प्लस में, और ये जो सैंडल्स हैं और चप्पल्स, नहीं मैं तो इनको चप्पल्स ही बोलती हूँ, बिकॉज़ ये बहुत ही फ्लैट हैं, और जो फ्लैट होता है उसको चप्पल ही बोला जाता है, उसको सैंडल नहीं बोला जाता इन माई ओपिनियन, अब आप लोग क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में।
और अच्छा जी, इनकी सॉक्स जो जेंट्स की सॉक्स की वैरायटी है बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। इसके साथ साथ एक और भी ब्रांड है, वो भी मैं आगे चल के आपको वीडियो में शेयर करूँगी इसके बारे में कि वो भी बहुत अच्छा है। यहाँ हमारे पाकिस्तान से बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स लॉन्च होते हैं, जैसे कि बोर्जन में स्काई वॉक है और कराची में, लाहौर में तो वाकीस भी।